मैं कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या है। मेरा मानना यह है कि दुनिया में वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित हैं। बस इसी भाव से पंक्तियाँ सुनिएगा। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या है। के पिता के संस्कारों की बारह खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। पिता के संस्कारों की बारह खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। उनकी मुस्कुराहट की घड़ी दो घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छे। दादा को समर्पित करता हूँ पंक्तियाँ, क्योंकि बहुत संघर्ष इंदौर ने दादा का देखा और दादा ने खुद का देखा है। आप लोग गवाह हैं इस बात के। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक अध्याय है जिसे हर युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए कि संघर्ष कैसे किया जाता है। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें टूटी कलम स्लेट पट्टियाँ याद आती है। वो फटी किताबें टूटी कलम स्लेट पट्टियाँ याद आती है। साल भर रहता था इंतजार वो छुट्टियाँ याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती। बढ़िया बात है। वाह वाह। मुझे भगवान से पहले। और चार पंक्तियां वो पढ़ता हूँ जिनको लिखकर मैं रोया था। दावा तो नहीं करता लेकिन एक विश्वास है कि अगर आपने मन से सुना तो आपके मन तक बात पहुंचेगी। ये दावा है। 80% लोगों का एक दर्द पड़ता है, एक दृश्य अधिकतर लोगों ने बचपन में देखा होगा। पंक्तियां सुनिएगा। शायद मैंने इससे अच्छा जीवन में कुछ न लिखा न लिख पाऊंगा। क्या मुझे अपनी पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं उनके दिलो जान में रहते थे। मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक में ही फोड़ देता था। खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे। जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। वाह वाह। और अगर किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो तो मेरी चार पंक्तियां सुनिएगा, शायद आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। एक टिप्पणी साथ ले जाइएगा। हम संस्कारों वाले लोग हैं। हम रामनवमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते पर भगवान कभी नहीं बनते। बहुत अच्छी बात है। बस इसी भाव से सुनिएगा और पंक्तियां साथ ले जाइएगा। अगर कोई पिता से शिकायत हो कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो हमारे यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद भाई जीतू चौधरी जी का। भाई गोरी बहन गोरी मिश्रा ने बहुत अच्छी टीम आज की रात बनाई। आप अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा कि अपनी जड़ें मत खोदो कोई फरियाद काम न आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम न आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद।